स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये हो गया x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गई। नाउ दिस पासेस थ्रू सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट, मैं पहले तीन पॉइंट से बात करवा देता हूँ, सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट, थ्रू के तीन पॉइंट से पास करवा दो, वैसे तो किसी भी तीन पॉइंट से पास करवा सकते हो, लेकिन तीन पॉइंट से, थ्री कोमा माइनस टू, वन कोमा जीरो एंड माइनस वन कोमा माइनस टू, उन तीन पॉइंट से पास करवा दो। तो ये आ गया थ्री माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस टू माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस सिक्स एच, फोर प्लस के स्क्वायर प्लस फोर के इक्वल टू आर स्क्वायर, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। या फिर एक काम करो और सोल्व कर लो, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा बेटा, सिक्स एच प्लस फोर के प्लस 13 इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हमारी फर्स्ट क्वेश्चन। पहला पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, तो दूसरा पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दो आप, सेकेंड पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दो, वन कोमा जीरो, वन माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वन प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच, ये हो गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू एच प्लस वन इक्वल टू आर स्क्वायर, सेकेंड एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू एच प्लस वन इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हमारी सेकेंड क्वेश्चन होगी। थर्ड पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दें, माइनस वन कोमा माइनस टू, तो माइनस वन और डिवाइड टू कहाँ रह गया भाई, तो ये आ गया वन प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एच प्लस फोर प्लस के स्क्वायर प्लस फोर के इक्वल टू आर स्क्वायर, आ गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस टू एच प्लस फोर के प्लस फाइव इक्वल टू आर स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन, ये हमारी तीन इक्वेशन आ गई। अब इसमें मैं क्या करूंगा, इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू, तो जैसे हमने सब्ट्रैक्ट किया वन को टू से, तो ये आ गया माइनस फोर एच, के तो है ही नहीं तो प्लस फोर के प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, सही जरा देखो ना इधर, ये तो कैंसिल माइनस सिक्स एच प्लस टू एच माइनस फोर एच है ही नहीं, या फोर के थर्टीन माइनस वन ट्वेल्व आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, फिर इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन थ्री करो भाई, माइनस टू एच माइनस टू एच माइनस फोर एच माइनस फोर के माइनस फोर इक्वल टू जीरो, माइनस टू एच माइनस टू एच मतलब हाँ आइया। अब ये हमारी फोर्थ और इक्वेशन और फिफ्थ इक्वेशन दोनों को सोल्व कर लो, माइनस फोर एच कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली सोल्व हो रहा है, एड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों से सोल्व हो रहा है, माइनस एट एच प्लस एट, तो एच का वैल्यू वन, एच का वैल्यू वन आ गया, लिखो यहां से, तो द वैल्यू ऑफ एच इज इक्वल टू वन, ये हमें एच का वैल्यू मिल गया भाई। The value of h is equal to 1. अब h का वैल्यू किसमें भी रख दो, k का वैल्यू मिल जाएंगे,
इसमें रख देते हैं फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड फोर्थ, तो k का वैल्यू माइनस टू आ गया, k का वैल्यू माइनस टू आ गया, एच आ गया वन, के का वैल्यू माइनस टू। अब मुझे रेडियस निकालना है, इसमें रख देंगे तो आर आ जाएगा, एच की वैल्यू वन, ये प्लस टू, तो आर की वैल्यू टू आ गई। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई हमारी, सेंटर आ गया हमारा वन कोमा माइनस टू और रेडियस आ गया टू, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू टू का स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी। अब चौथा पॉइंट यदि इक्वेशन ऑफ सर्कल को सेटिस्फाई करता है तो हम बोलेंगे पॉइंट क्या है, कौन सा इक्वेशन, भाई तीन पॉइंट से आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल गई और चौथा पॉइंट इक्वेशन ऑफ सर्कल को सेटिस्फाई करता है तो हम बोलेंगे पॉइंट क्या है, कौन सा इक्वेशन, तो हम बोलेंगे पॉइंट जो है वो कौन सा इक्वेशन। तो चौथा पॉइंट हमारा क्या है, क्या है चौथा पॉइंट, पॉइंट वन कोमा माइनस फोर सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, देन पॉइंट्स आर कौन सा इक्वेशन, देन पॉइंट्स आर कौन सा इक्वेशन, तो हम बोलेंगे पॉइंट कौन सा है, रख दीजिए x की जगह वन रखो तो वन माइनस वन का होल स्क्वायर, y की जगह माइनस फोर रखो इक्वल टू टू स्क्वायर, ये जीरो हो गया, ये फोर हो गया और ये फोर हो गया, कर रहा है कि नहीं कर रहा सेटिस्फाई, तो देयरफॉर पॉइंट्स आर कौन सा है, तो समझना है कौन सा इक्वेशन कैसे प्रूव होगा, कौन साइक्लिक में शुरू के तीन पॉइंट से आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी पड़ेगी और चौथा पॉइंट आपको सेटिस्फाई करवाना होगा। यदि फोर्थ पॉइंट सेटिस्फाई होता है तो हम बोलेंगे पॉइंट क्या है, कौन साइक्लिक, तो हम बोलेंगे पॉइंट कौन साइक्लिक। यदि चौथा पॉइंट सेटिस्फाई होता है तो पॉइंट कौन साइक्लिक, हमेशा चार पॉइंट गिवन होंगे जब तो कौन साइक्लिक होगा, तीन पॉइंट तो हमेशा कौन साइक्लिक होंगे जनरल केस में, भाई और कुछ नहीं है तो जनरल केस में तो होंगे, कोलिनियर नहीं होने चाहिए बस, बाकी तो कौन साइक्लिक होंगे। लिया सबने, चलिए नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द, चलो लिखो
फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉन्सेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल विद द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। नहीं 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 रुको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चेंज करना थोड़ा सा, माइनस सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व वाई प्लस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो एंड डबल ऑफ इट्स एरिया एंड डबल ऑफ इट्स एरिया और इसका एरिया का डबल है। ऐसी इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालेंगे जो कि कॉन्सेंट्रिक है। किस सर्कल की कॉन्सेंट्रिक है? कॉन्सेंट्रिक का मतलब जो इसके सेंटर है वही सेम सेंटर, लेकिन इसके एरिया का डबल है। मतलब कुछ इस तरह की पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये सर्कल है जैसे ये वाला, तो मुझे ये वाला सर्कल का इक्वेशन निकालना और इसका एरिया इसके एरिया का क्या है ऐसे बोलूँ, तो पहले इसका सेंटर निकालना पड़ेगा और रेडियस भी निकालनी पड़ेगी क्योंकि एरिया में आ रहा था। तो लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व वाई प्लस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो। सेंटर निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, एक्स एक्स को एक साथ लिखना, वैसे तो डायरेक्ट भी होता है निकालने का मेथड, लेकिन अभी ट्वेल्व अभी इलेवंथ में तुम्हें तो ऐसे ही बताना पड़ेगा। एक और मेथड होता है मैं बता दूंगा डायरेक्ट कैसे चेक करते हैं, सेंटर और रेडियस प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वेल्व वाई और फिफ्टीन को इधर लीजिए, एक्स का कोफिशिएंट सिक्स है, सिक्स का आधा तो एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस नाइन दोनों तरफ करो, थ्री का स्क्वायर मतलब नाइन, नाइन इधर भी एड कर दिया और इधर भी कर दिया। वाई का कोफिशिएंट ट्वेल्व है, ट्वेल्व का आधा तो सिक्स का स्क्वायर दोनों तरफ एड कर दिए, तो ये आ गया x माइनस थ्री का होल स्क्वायर y प्लस सिक्स का होल स्क्वायर 45 माइनस 50 नाउ कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन बेटा वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं कल और परसों नहीं हूँ यहाँ पर, तो कल का तो ऑफ होगा आपका, परसों का जो टेस्ट है वो आपका ऑनलाइन होगा और उसमें मैं सिर्फ पेपर सेंड कर पाऊंगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा, मतलब पूरे टाइम पर नहीं चालू रह सकती क्योंकि मैं रस्ते में होऊंगा तो कैसे चलेगी, तो मैं पेपर आपको टाइम से सेंड कर दूंगा 12 बजे। हमारा तो ट्राई करेंगे कि पेपर निकल जाए, कभी बोलूँगा भैया ऐसे निकल जाएंगे तो मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा उसके साथ, नहीं तो ऑनलाइन देना ही। तो एच आ गया आपका 3 और के आ गया -6, तो सेंटर आ गया आपका 3, -6 और रेडियस है आपका √30, रेडियस आ गया √30। ये पहली चीज हो गई, मैंने जो मेरे को सर्कल गिवन था उसका सेंटर और रेडियस मैंने फाइंड आउट कर दिया। अब आप आगे चालू करते हैं भैया, गिवन लेट द रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल बी आर, रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल बी आर, so therefore area of circle is twice of area of this circle, so area pi r square 2 pi और इसका radius का square कितना हो गया √30 का, तो r square हो गया 30 का square 30, तो r square की value कितनी हो गई 60,
आर स्क्वायर की वैल्यू 60 या रेडियस कितना हो गया रूट 60। तो हमारे इस नए वाले सर्कल की रेडियस कितनी हो गई रूट 60। बस अब इसको यूज कर लेंगे अपन। नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, कॉन्सेंट्रिक है तो सेंटर तो यही होगा और उसकी रूट 60 उसका क्या हो गया रेडियस हो गया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर थ्री कोमा माइनस सिक्स एंड रेडियस रूट 60 इज एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस सिक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 60 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 इक्वल टू 60 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस 12y प्लस माइनस 15 इक्वल टू जीरो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। ये जो हमें सर्कल निकालना था उसकी इक्वेशन। कंसेप्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं अभी बोल रहा था मैं डायरेक्ट कैसे निकालूंगा सेंटर और रेडियस, बोल रहा था कि डायरेक्ट कैसे निकलता है सेंटर और रेडियस। अब देखो उसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अरे पीयूष आवाज आ रही है, पहले तू कुछ बोल रहा था मेरे को आवाज नहीं आई थी। यस सर। बेटा तेरी अगली क्लास कितने बजे होती है मैं ये पूछ रहा हूँ। सर 4 to 6। तो बेटा हम थोड़े दिन के लिए 2:30 to 3:30 कर लें क्या? यस सर। 2 to 3, 2 to 2:30 क्लास लगेगी तुम्हारी ही लगेगी, लेकिन मैं उसमें कुछ चीज और दूसरी चीज रिवाइज कराऊंगा, ठीक है? ओके सर। यस सर। मंडे से 2:30 to 3:30 क्लास है। 2 to 2:30 तो अलग टॉपिक चलेगा और 2:30 to 3:30 अलग, मतलब मेन टॉपिक जो ये चल रहा है ये 2:30 to 3:30 चलेगा, ठीक है? अब तेरा ओ हीरो चलिए। अब देखो इसमें इसका सेंटर होता है माइनस जी माइनस एल और रेडियस होता है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जब हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करें तो इसका सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ, मतलब जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसको आधा करके माइनस साइन लगा दो। जैसे ये 2g है, 2g को आधा करो और माइनस साइन लगा दो। जैसे अभी पिछले वाले एग्जाम्पल में था आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या था माइनस सिक्स एक्स 12y और माइनस 15 है प्लस 15 इक्वल टू जीरो। अब देखो मैं यदि इसका सेंटर डायरेक्ट देखना है तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना है माइनस सिक्स, माइनस सिक्स का आधा करो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 12 का आधा करो इसका आधा माइनस से मल्टीप्लाई, बोलो आ रहा था नहीं आ रहा था सेंटर? तो ये डायरेक्ट सेंटर निकालने का तरीका, जो भी एक्स का कोफिशिएंट आ रहा है उसको आधा करो और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, जो भी वाई का कोफिशिएंट आ रहा है उसको आधा करो और माइनस से मल्टीप्लाई करो,
अच्छा अब ये आ गया आपका, अब मुझे रेडियस निकालना है। ये तो हो गया हमारा सेंटर, रेडियस क्या करना है, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो और माइनस ये कर दो, तो रूट 30 इसका रेडियस है, इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर स्क्वायर माइनस जो भी कॉन्स्टेंट है, प्लस 15 है तो माइनस 15 कर दो। तो ये सेंटर और रेडियस निकालूंगा, तो अभी मैं निकाल के बता दूंगा इस वाले में से, लिख लो, इसको लिख लीजिए भाई, दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसको हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलते हैं। सर्कल का ही पार्ट है, लेकिन अब अपन ने बोला ना कि भाई डायरेक्ट आपको सबो मन मात में आ गया और आपको ये रेडियस और वो निकालनी, तो डायरेक्ट इससे निकालो, इस वाले में। अभी मैं एग्जाम्पल देके बता दूंगा, चेंज होंगे बाकी सारा चेंज हो गए। सेल्सिंग और सेल्सिंग, यस सर, तू लेट हो जाता है, सॉरी सर, वो बाहर गया हुआ था। तो बेटा फिर अगर यदि तेरी क्लास का भी दिक्कत है तो मैंने टाइमिंग मंडे से 2:30 से 3:30 कर दिया। यस सर। और 2 से 2:30 कोई दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे तुम्हारा ही, मतलब 2 से 3:30 हो गया, लेकिन 2 से 2:30 कोई दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे। यस सर। चलो देखो सर, अब मैं इस वाले मेथड से निकालता हूँ सेंटर रेडियस, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल, 4x square plus 4y square minus 8x plus 12y minus 3 equal to 0. मुझे इसका सेंटर और रेडियस निकालना है। 4x square plus 4y square minus 8x plus 12y minus 3 equal to 0. तो पहले तो इसको 4 से डिवाइड कर दो। डिवाइड बाई 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 3/4 इक्वल टू 0। पहला काम तो ये करो। नाउ कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 3 इक्वल टू 0। कंपेयर करो भाई, 2g की वैल्यू माइनस 2, तो g का वैल्यू माइनस है, बाद में कर लेंगे, 2f का वैल्यू 3, तो f का वैल्यू 3/2, तो सेंटर हो गया माइनस g माइनस f, तो -1, -3/2, ये तो सेंटर हो गया 1, -3, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल 1, -3/2। अब रेडियस निकालना है, देखो रेडियस कैसे निकालेंगे, अनरूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो माइनस और माइनस प्लस 9/3, 12/4, 3 2 यूनिट। तो इसका रेडियस कितना हो गया, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और सी का वैल्यू है -3/4, तो +3/4 हो गया भाई, तो जी स्क्वायर मतलब 1, f स्क्वायर मतलब 9/4 और माइनस 3 मतलब +3/4, 9 + 3, 12/4 हो गया 3, तो 1 + 3, 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये हमारा इसका
रेडियस हो गया आपको, कोई दिक्कत? इस तरह से हम इसका सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं डायरेक्ट इस वाले मेथड। लिख लिया, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द ओरिजिन and cuts off intercept of length and cuts off intercept of length 4 and 6 on the positive side of 4 and 6 on the positive sides of coordinate axis 4 and 6 on the positive sides of coordinate axis, मतलब first quadrant पर और first quadrant में cut कर रहा है जो भी कर रहा है। इधर देखो 4 and 6, देखो origin से pass हो रहा है, origin से pass हो रहा है circle। और unit का इंटरसेप्ट कट करना है और वाई एक्सिस पर 6 यूनिट का इंटरसेप्ट कट करना। तो इस तरह की प्रॉब्लम कर चुके हैं ए और बी वाला कर चुके, लेकिन अब पॉजिटिव में बोल रहा है वो। यदि मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं ये सेंटर से तो मुझे पता है ये आधा हो जाएगा 2, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये भी आधा हो जाएगा 3, और ये इसकी रेडियस। तो सेंटर तो हो गया बेटा 2.3 होगी, सेंटर 2.3 होगी, और रेडियस भी आ जाएगा क्योंकि 90 डिग्री है। तो रेडियस हो गया अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 30। लिखो भाई, बनाओ, ये आपका सेंटर और रेडियस है, सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। Now equation of circle, x minus 2 का whole square plus y minus 3 का whole square equal to root 13 का square। This is the equation of circle। ऑरिजिन से डाटिन कैंसिल हो गया, और वैसे भी इक्वेशन ऑफ सर्कल में यदि सी कभी नहीं आया तो वो ओरिजिन से पास हो रहा है। देखो सी नहीं आ रहा लास्ट 4x-, तो इसका मतलब वो कहां से पास हो रहा है, ये फिक्स। यदि इक्वेशन ऑफ सर्कल में सी नहीं आया है तो इसका मतलब ओरिजिन से पास हो रहा है। चलिए नेक्स्ट, डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल, नेक्स्ट टॉपिक लिखो।
डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल, डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल, देखो तब वो हमें ये डायमीटर की बने, ये पॉइंट है x1 y1 और ये दूसरा डायमीटर का पॉइंट है x2 y2। अच्छा कोई पॉइंट है P जिससे जनरल पॉइंट है उससे पास हो रहा, तो हमें पता है कि ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, हमें पता है। तो एंगल ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल एन एस सेमी सर्कल इज राइट एंगल, सेमी सर्कल इज राइट एंगल। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ, स्लोप ऑफ एपी निकाल लेता हूँ। स्लोप ऑफ एपी पता है मुझे, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स, तो वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स, इसको मान लेते हैं एम वन। स्लोप ऑफ पी भी निकाल लेता हूँ, वाई माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स, तो ये हमारा हो गया एम टू, ये हमारा क्या हो गया M2। अब मुझे पता है M1 M2 इक्वल टू क्या है, माइनस वन, क्योंकि दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर होता है तो स्लोप का प्रोडक्ट इसके इक्वल होता है माइनस वन। ये हो गया y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई टू इक्वल टू माइनस वन। तो ये हो गया y माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू इक्वल टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू। ये इधर ले लिया एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस ये आपकी डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल है। यदि आपको डायमीटर के वर्टिसेस गिवन है, मतलब कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो हम इस वाले मेथड से इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। वैसे तो वैसे भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि इससे ये जीवन होना जरूरी है, ये नहीं पता होगा तो भी निकाल लेंगे, लेकिन आपको डायरेक्ट निकालना है तो इस वाले मेथड से निकाल। तो दिस इज द डायमीटर फॉर्म ऑफ द सर्कल, लिख लीजिए बता, ये हमारा डायमीटर फॉर्म ऑफ द सर्कल है। चलो लिखो, अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, the coordinates of end points of whose diameter, the coordinates of end points of whose diameter are
माइनस एंड पॉइंट्स ऑफ हूज डायमीटर आर माइनस वन कोमा टू एंड फोर कोमा माइनस थ्री, माइनस वन कोमा टू एंड फोर कोमा माइनस थ्री। तो एक तो मेथड आपका क्या है, इस वाले मेथड को यूज कर लो भाई, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर माइनस वन कोमा टू फोर कोमा माइनस थ्री, इसको लिख दिया एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस एक्स वन हो गया एक्स प्लस वन, एक्स माइनस एक्स टू हो गया एक्स माइनस फोर, वाई माइनस टू और वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर भाई प्लस वन माइनस फोर एड करो तो माइनस थ्री एक्स, प्लस वन माइनस फोर मल्टीप्लाई करो ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू प्लस थ्री और माइनस टू माइनस थ्री मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वाई माइनस टेन इक्वल टू। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। मतलब कैसे जो वाला पार्ट भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये दोनों तो एक्स स्क्वायर आएंगे, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट ऐड कर लो कितना हुआ वन और माइनस फोर के एड करो माइनस थ्री, तो माइनस थ्री एक्स आएगा, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई कर लो ऐसे आता है। जैसे कभी भी आपको करना है ना, जैसे मैंने आपसे बोला एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस फाइव, तो एक्स स्क्वायर थ्री प्लस फाइव डन। ये तो आपका फॉर्मूला वाला मेथड हो गया, लेकिन अभी आपको सपोज फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर अपन क्या करेंगे वो समझाएंगे। ये तो फॉर्मूला वाला मेथड हो गया, सेकेंड मेथड ये सर्कल है, ये इसके एंड पॉइंट थे क्या क्या थे भाई, इस वाले क्वेश्चन के एंड पॉइंट थे फोर कोमा, ये इसका सेंटर, तो सेंटर और मिड पॉइंट ऑफ एबी, सेंटर सी इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो सी आ गया हमारे पास माइनस वन प्लस फोर बाई टू और टू माइनस थ्री बाई टू, तो सेंटर आ गया आपका थ्री बाय टू माइनस वन बाई टू भाई, दोनों को एड करके टू से डिवाइड कर दो ठीक है। अब रेडियस निकालना है, ये आ गया आपका सेंटर आ गया थ्री बाय टू माइनस वन बाय टू, तो रेडियस ए सी, रेडियस आर ए सी अंडर रूट ऑफ थ्री बाय टू प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस माइनस वन बाय टू माइनस टू का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका फाइव बाय टू का होल स्क्वायर प्लस फाइव बाय टू का होल स्क्वायर माइनस फाइव बाय टू का होल, तो ये आ गया आपका रूट ट्वेंटी फाइव बाई फोर प्लस ट्वेंटी फाइव बाई फोर रूट फिफ्टी बाई फोर ठीक है, ये आ गया फाइव बाई टू रूट टू, ये आ गया
50 का स्क्वायर रूट हो गया 5√2, और नीचे करते हैं ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल, भाई आपको कुछ नहीं पता है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ इस तरह से। तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू √50/4 का होल स्क्वायर, आपको ये लिखना। तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 y स्क्वायर प्लस y प्लस 1/4 इक्वल टू 50/4। तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3x प्लस y 10/4 माइनस 50/4 माइनस 10 आ गया। ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल सेकंड मेथड। जैसे आपको कुछ भी नहीं पता हमने तो हमारा जनरल कंसेप्ट लगा के तीन वैल्यू निकाली ठीक है। ये आ गया लिखो वो तो जब इक्वेशन गिवन होगी बेटा, यहाँ इक्वेशन कहाँ गिवन है, यहाँ तो पॉइंट गिवन है। वो तो इक्वेशन गिवन होगी तब है जब से इक्वेशन गिवन है। तो एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करो, आधा करो और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या आंसर आएगा। यहाँ तो आपको दो पॉइंट गिवन है तो मिड पॉइंट निकालना ही पड़ेगा। चलिए अब सर्कल पे लास्ट कॉलम और ये कंप्लीट हो गया भाई सर्कल। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग 1, -2 हैविंग 1, -2 एज इट सेंटर, एज इट सेंटर एंड पासिंग थ्रू द intersection of line and passing through the intersection of line 3x plus y equal to 14 and 2x plus 5y equal to 18 of line 3x plus y equal to 14 and 2x plus 5y equal to 18 2x plus 5y equal to 18 सेंटर क्या गिवन है भाई 1, -2। अब देखो समझना, ये सर्कल जिसका सेंटर है 1, -2 और ये सर्कल पास हो रहा है इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दूंगा तो ये वाला पॉइंट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, टी पॉइंट।
तो पी इज द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन प्लस वाई माइनस 14 इक्वल टू जीरो एक्स अपॉन माइनस वाई अपॉन वन अपॉन एक्स अपॉन प्लस 70 माइनस वाई अपॉन प्लस फिर 15 माइनस 2 ये आ गया 52 ये आ गया आपका 26 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ गया आपका 13। तो बेटा एक्स की वैल्यू 4 आ गई और वाई की वैल्यू 2 आ गई तो देयरफॉर पॉइंट पी आ गया आपका 5.6। ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। अब पी आते ही आपका रेडियस आएगा कि नहीं आएगा? पी पी का रेडियस आएगा। लिखो सर एक्स तो 4 आना चाहिए ना। हाँ एक्स 4 आएगा सही गलत लिख दिया एक्स 4 आएगा। नाउ रेडियस पी पी 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर तो 9 प्लस 16 25 इक्वल टू 5 तो रेडियस पीपी आ गया आपका 5 यूनिट। बस अब तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आराम से निकलेगी भाई जिस दिन काम में। This is the equation of circle. तो ये आपका सर्कल कंप्लीट हो गया। जितनी टाइप की प्रॉब्लम हो सकती थी सब बता दी। ठीक है चलिए भैया अब अपन क्या करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस।